this video, we will see what are orbital diagrams. As you all know, हमने valency calculate करना सीख लिया है, electronic configuration calculate करना सीख लिया है, और number of electrons, number of protons कैसे निकालते हैं, mass number क्या होता है, atomic number क्या होता है, ये सब हमें पता चल गया है. अब इसके बाद जो topic आता है, वो आता है orbital diagrams. So, orbital diagrams होते क्या हैं? Orbital diagrams are pictorial representation of electronic arrangement in an atom. It means जो ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं उसमें हम एक पिक्चर की हेल्प से ये समझते हैं कैसे एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं और हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास नंबर 23 होता है. एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं और मास नंबर को हम ऊपर लिखते हैं. जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा एटॉमिक नंबर को देख के कैलकुलेट करते हैं. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम शेल के नाम लिख देंगे, 11 है. अब हमें इस 11 को इन तीन शेल्स में डिवाइड करना है. सो हमें पता है 2n स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 11 अगर हमें फिट करना है इन तीन शेल्स में, k में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ आ गए तो हमारे पास बचते हैं 9. एल शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ फिट कर दिए हैं, 11 हमारे पास थे, और अब हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचता है लास्ट शेल में फिट करने के लिए. सो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम. अगर इसका हमें यही रिप्रेजेंटेशन डायग्राम के फॉर्म में दिखाना है, उसी को हम ऑर्बिटल डायग्राम्स कहते हैं. सो इसके लिए हमें सर्कल्स बनाने पड़ते हैं. आप चाहे तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं, पर नॉर्मली जब आप ऑर्बिटल डायग्राम प्रैक्टिस कर रहे हैं या स्टार्ट हो ही रहा है आपका, तो आपको सबसे पहले जो एक सर्कल बनाना है वो आपका न्यूक्लियस है. फिर जो यहाँ से आप सर्कल स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस के बाद बनाना, वो आपकी फर्स्ट शेल होगी. इट मीन्स ये फर्स्ट शेल है, के शेल है. ओके, नेक्स्ट आप एल शेल बनाएंगे और उसके बाद लास्ट शेल बनाएंगे एम शेल. अब हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को इसमें डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो हम न्यूक्लियस वाला जो सर्कल है इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर हम सिर्फ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही शो करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स को हमें इन ऑर्बिट्स में शो करना है. सो फर्स्ट शेल हमारी ये होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें इस तरीके से शो करना है. एल शेल में 8 करना है, तो 8 मीन्स 4 पेयर्स बनेंगे, 5, 6, 7, 8. और लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उसको आप इस तरीके से शो कर सकते हैं. इस तरीके से प्रेजेंट करने में डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन लगता है और इजीली पता भी चल रहा है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, के एल एम शेल के नाम भी लिख सकते हैं. जनरली हम नहीं लिखते हैं, बट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए आप लिख सकते हैं. अब जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसमें भी हमें बताना है कितने न्यूट्रॉन्स हैं कितने प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसमें हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर ज़रूर बताते हैं. सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले आप अपने याद करने के लिए लिख सकते हैं कि प्रोटॉन्स जो होता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है. ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए. यहाँ पे प्रोटॉन्स फिर कितना होगा, जब एटॉमिक नंबर 11 है
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 हो जाएंगे। नाउ न्यूट्रॉन्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यूट्रॉन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर सोडियम का 23 गिवन है, 23 माइनस एटॉमिक नंबर 11, सो ये हो गया 12। अब हमको ये यहाँ पे लिखना है, प्रोटॉन्स इक्वल टू 11, न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 12। तो ये एक तरीके से आपका ऑर्बिटल डायग्राम हो गया सोडियम का। बहुत इजी है कैलकुलेट करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, वैलेंसी भी, हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में ये सब देखा था कैसे करना है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें, एल्यूमिनियम का एग्जांपल लें, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है AL, A कैपिटल L स्मॉल। इसमें आपको इनके एटॉमिक नंबर लर्न होने बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक नंबर अगर आपको लर्न होगा तो आप एक तरीके से मास नंबर भी याद कर सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला मैंने बताया था जिनका इवन होता है उनको कैसे कैलकुलेट करना है, और जिनका ऑड होता है एटॉमिक नंबर उनको कैसे कैलकुलेट करना है। सो एल्यूमिनियम का होता है 13, और इस एटॉमिक नंबर की ही हेल्प से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर, 27 मास नंबर। सो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 13 को हमें तीन शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे हम इसमें फिट करेंगे 13 इलेक्ट्रॉन्स? फर्स्ट शेल में हमको पता है हमेशा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब आप क्या करिए, 13 में से 2 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो के शेल में आ गए। अब हमारे पास बचे हैं 11। एल वाली शेल मीन्स सेकेंड शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिट हो चुके हैं। बचे हैं हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में लगाने के लिए, तो लास्ट शेल में 3 आ जाएंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम का। अब आपको इसी को ही डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे शो करना है, इसी को हम ऑर्बिटल डायग्राम करते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल हमें पता है हमें 3 शेल बनानी है, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। फर्स्ट जो हमारी सर्कल है इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। फर्स्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं, वो हम इस तरीके से शो कर देंगे। हम यहाँ पे दिखा देते हैं KLM, जिससे हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखाएंगे। एम शेल में 3, जो कि पेयर में दिखाएंगे हम, 3 हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस तरीके से दिखा, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, मतलब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, या तो आप 2 यहाँ दिखा दें या 1 यहाँ दिखा दें, आप पे डिपेंड है पूरा का पूरा। बट 8 इलेक्ट्रॉन्स जब शो करने होते हैं, अगर हम 8 को इस तरीके से यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में शो करते हैं तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और जो एग्जामिनर अगर एग्जाम में आ गया वो काउंट कर रहा है कि स्टूडेंट ने ढंग से इलेक्ट्रॉन लगाए हैं, बिल्कुल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो लगाए हैं, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम भी आती है चेक करने में। इसलिए हम डायग्राम को नीट एंड क्लीन ड्रॉ करते हैं, जिससे देखने से ही पता चल जाए कि हाँ सब कुछ अच्छे से इसमें जो पूछा गया है वो सब कुछ रिप्रेजेंट किया गया है। सो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये हो गया ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अब न्यूक्लियस में हमें फिर से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन शो करना है। इलेक्ट्रॉन्स तो ये हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शो करना है। प्रोटॉन का फॉर्मूला, प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 13 था प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन भी 13 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन को हम कैलकुलेट करते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मैं यहाँ पे फॉर्मूले में नंबर को NO डॉट लिख रही हूँ, आपको नहीं लिखना है, आपको पूरा वर्ड जो पूरी स्पेलिंग होती है सारे लेटर्स आपको लिखने हैं, NUMBER पूरा इस तरीके से लिखना है। सो मास नंबर 20 यहाँ पे 27 है ना, 27 माइनस 13 तो ये हो गया 14।
हमें यहाँ पे भी बता देना है, प्रोटॉन का 13 होता है नंबर और एन का, एन मीन्स न्यूट्रॉन का 14 होता है एल्यूमिनियम में. सो ये एक पूरा का पूरा ऑर्बिटल डायग्राम मिल गया हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम का, और ये बहुत ही अच्छा भी लग रहा है दिखने में. अगर आप प्रॉपर अच्छे से डायग्राम बताते हैं, साइड में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है. एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम कैल्शियम की, क्योंकि कैल्शियम के 4 शेल्स होते हैं. कैल्शियम सी ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 20, मास नंबर होता है 40. सेम वैसे ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. अब हमें 20 इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में अरेंज करना है. कैसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हमें देखना है. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. अच्छा, आप लोगों को अगर ये लग रहा होगा कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों आता है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों आते हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने बताया है कि 2n स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किन शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. सो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स तो यही हो गए. अब एम शेल में हम 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिक्स कर नहीं सकते हैं, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं, हम सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डाल सकते हैं. इट मीन्स हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचते हैं शेल में फिक्स करने के लिए. तो अब अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 प्लस 2 10 प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें 4 शेल में डिस्ट्रीब्यूट करके करना पड़ेगा, तो ये पूरा 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया कैल्शियम का. अब हमको इसी को ही डायग्राम के फॉर्म में शो करना है, जैसे हमने प्रीवियसली किया था वैसे ही करेंगे. फर्स्ट शेल आप न्यूक्लियस बनाने के लिए करेंगे, यहाँ से आपकी फर्स्ट शेल स्टार्ट होगी, स्किन, थर्ड, फोर्थ. जब आप इसको एग्जाम में बनाएं या अपनी क्लास नोटबुक में बनाएं, तो आप कंपास की हेल्प से बनाएं, क्योंकि फ्री हैंड बनाते हैं तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये बहुत अच्छे से सर्कल बनते हैं. बट अगर आप कंपास की हेल्प से बनाएंगे तो सर्कल परफेक्टली बनेंगे और डायग्राम बहुत अच्छा भी लगता है दिखने में. सो इस वाले सर्कल को तो हम छोड़ेंगे. ये हमारी फर्स्ट शेल होगी के एल एम एन. ये इसलिए लिख रहे हैं कि कन्फ्यूजन ना हो. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स दोबारा एम शेल में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमें. एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से हमने शो कर दिया. तो ये ऑर्बिटल डायग्राम हो गया कैल्शियम का. अगेन इसका भी हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे. सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहा है बार बार. नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे. ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताने हैं, तो पूरा वो एटम बन जाएगा. सो प्रोटॉन्स जो होता है हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है. ये फॉर्मूला हमें हर बार बताना है, जब भी हम जितनी बार हम प्रोटॉन्स का नंबर बताएंगे. सो एटॉमिक नंबर यहाँ पे 20 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए हैं 20. नाउ न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. मास नंबर यहाँ पे 40 गिवन है, एटॉमिक नंबर 20 गिवन है. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 20. इसी चीज़ को हमें न्यूक्लियस में शो कर देना है. प्रोटॉन 20, न्यूट्रॉन 20. आई होप ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा यहाँ तक. अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ वो भी इसी के अंडर आता है, कुछ डिफरेंट नहीं है. मैंने आपको इन्हीं सीरीज़ में एक वीडियो में बताया था कि एटम क्या होता है और आयन क्या होते हैं. सोडियम एटम का तो आपने देख लिया, सोडियम आयन का भी एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम आ जाता है बनाने के लिए, या कैल्शियम आयन का भी आ जाता है, और एल्यूमिनियम जितने भी हैं, क्लोराइड आयन हो या
कार्बन का हो, किसी का भी हो, वो आ जाता है ड्रॉ करने के लिए. सो अगर हम कैल्शियम की बात करें, हमें पता है कैल्शियम का जो आयन होता है वो इस तरीके से शो करते हैं, Ca2+. सो इसको जब हम शो करते हैं, 2+ का मतलब क्या होगा कि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, प्लस का मतलब ये होता है आपको दो कम करते रहें. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2, 8, 8. तो जब आप ये शो करोगे, बस आपको तीन ही शेल बनानी है और ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर देना है. सोडियम का जब हम करेंगे, सोडियम का +1 होता है. मींस अगर हम यहाँ पे 1 ना लिखें, एक ही प्लस साइन शो करें, इसका मतलब इसका +1 है. तो ये सोडियम आयन है. जब हम सोडियम आयन को शो करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 हो जाएगा, क्योंकि इसका जब हमने सोडियम एटम का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा था, वो 2, 8, 1 होता था. सोडियम एटम का 2, 8, 1 होता है. सो यहाँ पे प्लस साइन है, इट मीन्स इसका एक आप कम कर दोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 हो जाएगा. इसी को आपको ऑर्बिटल डायग्राम में शो करना है. सेम एल्यूमिनियम का भी 3+ होता है, उसका भी आपको ऐसे ही करना है. एल्यूमिनियम का अगर हम देखें, एल्यूमिनियम एटम का, ये एटम होते हैं जिनमें कोई साइन नहीं होता, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 3 था. तो अब जब आपको एल्यूमिनियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है और प्लस है, तो 3 आप इसमें से हटा देंगे, 2, 8, और यही आपको ऑर्बिटल डायग्राम में शो करना है. अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, क्लोराइड, क्लोरीन एटम का ही ले लेते हैं पहले, क्लोराइड आयन का बाद में लेंगे. क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 7 होता है, C capital L small, 2, 8, 7 होता है. इसका जो आयन बनता है वो Cl- बनता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 8 होगा. ये कैसे हुआ? जहाँ पे आपका माइनस साइन होता है वहाँ पे आप ऐड करते हैं, जहाँ पे आपका प्लस साइन होता है वहाँ पे आप सब्स्ट्रैक्ट करते हैं. इसमें ऑपोजिट चलता है. कैसे? इसकी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, तो उसमें मैंने पूरा बताया है कि कैसे आयन आप कैलकुलेट करता है. आप वैलेंसी से भी बता सकते हैं कि यहाँ पे 2+ कैसा हो रहा है, 3+ कैसे हो रहा है, 3 ही क्यों हो रहा है, इसमें 2+ क्यों नहीं हो रहा है, वो सब मैंने बताया है. इसमें 1+ ही क्यों है और प्लस क्यों है, ये सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 2, 6. ऑक्सीजन का जो ऑक्साइड आयन होता है वो होता है 2-. अब यहाँ पे 2- है, मींस इसकी लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसमें आप 2 ऐड कर दोगे, 2 को आप ऐड कर दोगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2, 8. सो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया हो. आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे आपको मिलेंगे. फ्लोरीन का बना सकते हैं आप, नियॉन का बना सकते हैं, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सबका सेम ही तरीके से बनेगा. बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी. और इजी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा है. आप एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना, वैलेंसी कैलकुलेट करना,